हेलो व्यूअर, आज हम देखेंगे कैसे हम एक फ्री डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं और फ्री होस्ट के साथ कैसे उसको जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा जिसका नाम है 000webhost.com। मैंने इसको सर्च किया गूगल में और पहला वाला जो लिंक है इसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद साइन अप बटन पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए। मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। एक नया पासवर्ड डाल दीजिए इस साइट के लिए और गेट फ्री होस्टिंग बटन पर क्लिक कीजिए। तो मैनेज वेबसाइट बटन पर आपको क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसमें प्रोफाइल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, जैसे कि लैंग्वेज और टाइम जोन। मैंने अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया और इसको सेव कर दिया। फिर भी आप देख सकते हैं नीचे कि दिस ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड येट। तो आपको अपना ईमेल ओपन करके इसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए मैं अपना जीमेल ओपन कर रहा हूँ। तो मुझे एक ईमेल मिला है webhost.com के साइट से। तो इधर आप देख सकते हैं वेरीफाई ईमेल का एक बटन है जिसको आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और ये आपको ऑटोमेटिकली webhost के साइट में नेविगेट कर देगा। तो मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया। ओके, तो इधर आप सेट वेब एड्रेस में देखिए, माय डोमेन के नीचे एक एड्रेस है जो एक्चुअली मेरा डोमेन नेम है इस साइट के लिए। तो पहले आप फाइल मैनेजर में जाइए और उसके बाद अपलोड नाउ पर क्लिक कीजिए और इसमें कुछ वेब पेज डाल दीजिए। तो मैं अभी टेस्ट के लिए एक वेब पेज इधर क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब इस साइट में ही क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन है। तो न्यू फाइल पे मैंने एक index.php नाम का एक फाइल क्रिएट किया और उसके बाद उसमें राइट क्लिक करके मैंने एडिट पर जाके इसमें कुछ बेसिक HTML कोड डाल रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। अब बाद में इसमें अपना वेब पेज PHP वेबसाइट का जो पेज है आप इधर डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक टेस्ट पेज बना रहा हूँ इंडेक्स नाम का। आप जानते हैं कि इंडेक्स पेज पहले रन करता है। तो इधर मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया और चलिए ठीक है। और इसके साथ कुछ PHP कोड भी लगा देता हूँ, जैसे PHP में इको में कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ जो मुझे HTML कोड के साथ दिखाई दे वेब पेज में, और PHP टैग को क्लोज कर रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है ये है PHP पार्ट और बाकी ये जो है ये है HTML। तो इसको आप सेव कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अभी आपको पहला वाला जो टैब है उसमें जाना है और जो लिंक मैंने दिखाया था इसमें आपको क्लिक करना है। तो आप इधर देख सकते हैं मेरा वेबसाइट सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो अभी हम इस वेब एड्रेस को एक डोमेन नेम के साथ जोड़ेंगे, जो डोमेन नेम हम चूज करने वाले हैं उसके साथ। तो चलिए देख लेते हैं। और वेब होस्ट साइट में आप अपना डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे इसमें डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस करने के लिए आपको एक नया डेटाबेस बटन पर क्लिक करना है और डेटाबेस का नाम डालना है।
तो मैं इधर अपना डेटाबेस का नाम डाल रहा हूँ, इसका एक पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड भी डाल दिया और क्रिएट बटन पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं इधर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ये है मेरा डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, और ये है इसका होस्ट, और एक क्रिएटिंग डेटाबेस मतलब क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया मेरा डेटाबेस क्रिएट। तो डेटाबेस के ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो आपको पहले वेब पेज में लॉगिन रहना है, और उसके बाद एक नया वेबसाइट है जिसका नाम है freenom.com, इसमें जाइए। freenom पर क्लिक किया और इधर भी आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो इधर आपको साइन इन करने का दो ऑप्शन है, आप अपना फेसबुक और गूगल आईडी से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपना गूगल आईडी सिलेक्ट किया और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं हेलो दीपंकर नाम का एक वेलकम मैसेज है, आप लॉगिन हो गए हो। और इसके बाद आपको रजिस्टर ए न्यू डोमेन बटन पर क्लिक करना है। इधर ही आपको अपना खुद का डोमेन नेम सर्च करने के लिए एक सर्च बार मिलेगा। तो मैं इधर टेस्ट ओनली नाम का एक डोमेन नेम सर्च कर रहा हूँ और चेक अवेलेबिलिटी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इधर मैं मुझे बहुत सारे डोमेन नेम दिखाई देगा, tkml.ga। तो मैं अपना tk डोमेन को सिलेक्ट किया और चेकआउट पर क्लिक किया। इधर आप देख सकते हैं 12 मंथ का एक फ्री पीरियड है, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया ताकि मुझे 1 साल तक ये डोमेन फ्री में मिले। उसके बाद आपको थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन इधर डालना है फॉर्म पर। और कंप्लीट ऑर्डर बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ऑर्डर कंफर्मेशन पर आपको नीचे एक बटन दिखाई देगा, इसमें आप क्लिक कर दीजिए और हो गया। अभी सर्विस टैब के अंदर माय डोमेन में एक लिस्ट मिलेगा आपको, इधर देख सकते हैं ये टीके ओनली मतलब टेस्ट ओनली जो डोमेन है वो एक्टिव हो गया। और इसमें आपको मैनेजमेंट टूल्स के अंदर एक URL फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। इधर आप अपना ए वाला जो वेब एड्रेस है जो हमें फ्री होस्ट की साइट से मिले थे, तो इसमें हम डाल देते हैं। ओके, और सेट URL पर क्लिक कर दीजिए। चेंज सेट सक्सेसफुली। सो टेस्ट ओनली डॉट टीके जो मेरा डोमेन नया डोमेन नेम है, इसके साथ वो वेबसाइट जुड़ गया है। तो आप इधर देख सकते हैं मेरा वेबसाइट इस डोमेन नेम के साथ जुड़ गया है। तो आप ऐसे आप अपना खुद का एक सर्वर मतलब अपना सर्वर का आईपी एड्रेस भी डालकर डोमेन नेम के साथ जोड़ सकते हैं। तो सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने वेब होस्ट साइट को DNS मतलब डोमेन नेम सर्वर के साथ जोड़ दिया और टेस्ट ओनली डॉट टीके नाम का एक वेब हो डोमेन नेम के साथ इस सर्वर को जोड़ के मैंने इसको एक्सेस कर रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।